हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गा की माच ऑडेड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गाकुंडा की टाहट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज की वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इसमें को आई एंड बार सिक्स आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी मिली चुकी है और इसमें को सिक्सटी एट परसेंट गोल्ड इजर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करूं तो इसमें की लीड रोल हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर जादा नासर सत्याराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोल मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता दो इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक फुला मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट तो हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल मैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल्ड बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इसमें टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल माइंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल टेलीविशन प्रीमियर किया जाएगा वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो होते तो मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके हैं आप चाहते इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो, तो आप इस मी को देख सकते हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय दुर्कंड की जो भी मूवीज़ आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्गाकंडा की मूवीज बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहते इस मूवी को एक बार जरूर जाकर देखना और आप सभी के एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जुड़ से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच करना lenna हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गाकुंडा की माँच ऑडिड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गाक् की डहाट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज की वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इस मूवी को आई सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी इसमें को सिक्सटीट परसेंट गोल्ड ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की की बात करूं। तो इसमें लीड रोल हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीरजा नासर सत्याराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फॉलअप मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण ये मूवी बॉक्स ऑफिस वर्कसॉपिस एक फूल मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंड टेलीफिल्स ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस मूवी को टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल टेलीविजन प्रीमेर किया जाएगा वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके हैं आप चाहते इस मूवी को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इस मूवी को देख सकते हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय देवकंडा की जो भी मूवीज़ आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय देव की मूवी बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो तो इस मूवी को एक बार जरूर जाकर देखना और आप सभी एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच कर

रेटिंग भी मिल चुकी है और इसमें को सिक्सटी एट परसेंट गोल्ड इजर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करूँ तो इसमें की लीड रोल पर हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर ज्यादा नासर सत्याराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोला मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता दू इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक फोल मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी हिंदी डबिंग राइट्स को गोल माइंड टेलीफिल्म ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट तो हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल्ड बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल्ड बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस मूवी को टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड बैंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल्ड टेलीविशन प्रीमे किया जाएगा वहां पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके है आप चाहो तो इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को देख सकते हो तो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इसमें को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि विजय दुर्कंड की जो भी मूवीज आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्डकंडा की मूवी बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो तो इसमें को एक बार जरूर जाकर देखना और आप सभी एक ही रिक्वेस्ट आया कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच कर लेना हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गाकुंडा की माँच ऑडिटेड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गकुंडा की डहाट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इसमें को आई एंड बार सिक्स आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को 68 गोल पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की की बात करूं। तो इसमें लीड रोल पर हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर जदा नासर सत्यारा जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोला मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और एक बात बता दू इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण यह मूवी ऑफिस पे एक फोल मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से कम्प्लीट हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल्ड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मूवी आपको सिर्फ गोल्ड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इसमें टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल्ड टेलीविशन प्रीमे किया जाएगा वहां पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देख चाहते होते मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके हैं आप चाहो चाहते इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को, इस को देख सकते हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि विजय दुर्कंड की जो भी मूवीज आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्गाकंडा की मूवी बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो इस मूव को एक बार जोड़ जाकर देखना और आप सभी के एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ू से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच

भी मिल चुकी है इसमें को सिक्सटी एट परसेंट गोल्ड इजर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करूँ तो इसमें की लीड रोल पर हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर ज्यादा नासर सत्यााराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फुला मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और एक बात बता दूँ इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण मूवी पे एक फोलअ मूवी साबित हुई थी खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते नहीं किया जा रहा है वो तो गोल्स को पता है, नहीं कर रहा है। लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मूवी आपको सिर्फ गोल्ड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गो गोल्ड माइंडी चैनल है वहां पर ही आपको इस मूवी की जाएगा वहां पर जाकर आप को देख सकते हो इसके अलावा को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो होते तो मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके है आप चाहो चाहते इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इस मूवी को देख सकते को हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय दुर्कंड की जो भी मूवीज़ आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्कंडा की मूवी बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो तो इस मूवी को एक बार जुड़ जाकर देखना और आप सभी एक ही रिक्वेस्ट आया कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जुड़ से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच कर लेना हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गकुंडा की माच ऑर्ट मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गाकोडा की टहाट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इसमें को आई एंड बार सिक्स आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी मिली चुकी है और इसमें सिक्सटी एट परसेंट गोल्ड इजर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करूं तो इसमें की लीड रोल पर हमें विजय देवराकों मेहरीन पीरजादा नासिर सत्या जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोला मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता दू इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण यह मूवी ऑफिस पे एक फुला मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग से हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड बैंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मुख्य ऑल्ड टेलीविशन प्रीमियर किया जाएगा वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखते चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुकी है आप चाहो चाहते इसमी को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को देख सकते तो कोई हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय दुर्कंड की जो भी मूवीज आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय देवर्णा की मूवीज बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहते इस मूवी को एक बार जो जाकर देखना और आप सभी एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच

हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गाकुंड की माच ऑडिटेड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गकुंडा की डहाट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज की वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इसमें सिक्स पर टू आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी इसमें को सिक्सटीट परसेंट गोलर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करू तो इसमें की लीड रोल पर हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर नासर सत्याराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फॉलअप मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और एक बात बता दो इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक फुला मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल माइंड टेलीफिल्म ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मूवी आपको सिर्फ गोल बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस मूवी को टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल्ड टेलीविजन प्रीमेर किया जाएगा वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुकी है आप चाहते इस मूवी को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को देख सकते हो तो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय देवकंडा की जो भी मूवीज़ आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय देवराकंडा की मूवीज बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो तो इस मूवी को एक बार जरूर जाकर देखना और आप सभी एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच करना

रेटिंग भी मिल चुकी है और इसमें को सिक्सटी एट परसेंट गोल्ड इजर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करूँ तो इसमें की लीड रोल पर हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर जदा नासर सत्यारज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोर मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और एक बात बता दूँ इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोल मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल माइंड टेलीफिल्म ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट तो हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल्ड बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मूवी आपको सिर्फ गोल्ड बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस मूवी टीवी पर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी सिर्फ आपको गोल्ड बैंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल्ड टेलीविशन प्रीमर किया जाएगा वहां पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुकी है आप चाहो चाहते इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इस मूवी को देख सकते हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इसवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि विजय दुर्कंड की जो भी मूवीज आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्डकंडा की मूवी बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो तो इस मूवी को एक बार जरूर जाकर देखना और आप सभी एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना और जुड़ से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच कर लेना हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गाकुंडा की माँच ऑडिट मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गकुंडा की टहाट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इसमें आई एंड बार सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी इस को ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की की बात करूं। तो इसमें लीड पर हमें विजय देवराकों महरीन पीर जदा नासर जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोला मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता दू इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण मूवी ऑफिस एक फोलअ मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग से हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल्ड बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मूवी आपको सिर्फ गोल्ड बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड बैंड के जो टीवी चैनल है वहां पर ही आपको इस मूवी की ऑल्ड प्रीमियर किया जाएगा वहां पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देख चाहते ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके हैं आप चाहो चाहते इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को देख सकते हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि विजय दुर्कंड की जो भी मूवीज आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्गाकंडा की मूवी बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहते इस मूव को एक बार जो जाकर देखना और आप सभी के एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ू से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच

भी मिल चुकी है और इसमें को सिक्सटी एट परसेंट गोल्डर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करूं तो इसमें की लीड रोल पर हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीरजादा नासिर सत्य जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोलअप मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और एक बात बता दो इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक फो मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल माइंड फिल्म ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल बैंड के चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल माइंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मुख्य ऑल्ड टेलीविशन प्रीमियर किया जाएगा वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड करके देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके हैं आप चाहते इस मूवी को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इस मूवी को देख सकते को हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय दुर्कंडा की जो भी मूवीज़ आती है मैं खास सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्डकंडा की मूवी बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहते इस मूव को एक बार जरूर जाकर देखना और आप सभी एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोर से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच कर लेना हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गाकुंडा की माँच ऑर्टेड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गाकुंडा की डहाट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज की वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इस मूवी को आई पर सिक्स आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी चुकी है और इसमेंट गोल्डर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की की बात करूं। तो इसमें लीड रोल हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर जदा नासर सत्याराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोलप मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता दो इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फुला मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल माइंड टेलीफिल्स ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस मू टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड मैंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल टेलीविशन प्रीमेर किया जाएगा वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते होते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुकी है आप चाहते है इस मूवी को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को, इस को देख सकते हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि विजय दुर्कंड की जो भी मूवीज़ आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय देवर्णा की मूवीज़ बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहते इस मूवी को एक बार जरूर जाकर देखना और आप सभी एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच हेलो वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले विजय कोंडा की माच ऑड मूवी नोटा के बारे में तो अगर को एक लाइक करके इन तक देखते रहना को कहा पर कैसे पर देख पाओगे तो सब कुछ आज के वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा और मूवी थी इसमें डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने इसमें सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है और इसमें को सिक्सटी एट परसेंट गोल्ड ईजर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करूँ तो इसमें की लीड रोल पर हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर जदा नासर सत्याराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोला मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता दू इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके ये मूवी बॉक्स ऑफिस एक फो मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल्ड बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इसमें टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड बैंड के जो टीवी चैनल है वहां पर ही आपको इस मूवी की ऑल्ड प्रीमियर किया जाएगा वहां पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुकी है आप चाहो तो इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को देख सकते हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इसमें को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगी क्योंकि विजय दुर्कंड की जो भी मूवीस आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्कंडा की मूवीज बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो तो इस मूवी को एक बार जरूर जाकर देखना और आप सभी एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना और जरूर से जाकर इस मूवी को

हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गाकुंडा की माँच ऑडिटेड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गाक् की डट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इसमें आई एमवार सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी चुकी है और इसमेंट गोलर ने पसंद भी किया है और इसमें इसमें की की बात करूं। तो इस की लीड लीड रोल रोल बात तो हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर जदा नासर सत्यर जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फॉलअप मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और एक बात बता दू इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण मूवी ऑफिस वर्कशॉप एक फोल मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल माइंड टेलीफिल्म ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड बैंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल्ड प्रीमियर किया जाएगा वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते होते मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके हैं आप तो इसमें डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को देख सकते हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इसमें को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय दुर्कंडा की जो भी मूवीस आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्डकंडा की मूवीज बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो तो इस मूवी को एक बार जरूर जाकर देखना और आप सभी एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जरूर से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच Skal हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गाकुंडा की माँच ऑटेड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गाकुंडा की टहाट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इसमें को आई एम डी बार सिक्स आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी चुकी है इसमें को ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करू तो इसमें की लीड रोल पर हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर जादा नासर सत्यारा जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोला मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता दू इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगू दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण मूवी ऑफिस पे एक फोल मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंड फिल्म ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग से हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल्ड बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मूवी आपको सिर्फ गोल्ड बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड बैंड के जो टीवी चैनल है वहां पर ही आपको इस मूवी की ऑल्ड प्रीमियर किया जाएगा वहां पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते होते मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके हैं आप चाहो चाहते इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इस मूवी को देख सकते हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती क्योंकि विजय दुर्कंड की जो भी मूवीस आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्कंड की मूवी बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहते इस मूव को एक बार जुड़ जाकर देखना और आप सभी के एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ू से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच D'accordo. हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गकुंडा की माच ऑडिटेड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गाकुंडा की डहाट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज की वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलगु एक्शन ड्रामा और पोलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इस मूवी को आई एम सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी चुकी है। को सिक्सटी एट परसेंट गोल्ड इजर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करू तो इसमें की लीड रोल पर हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर ज्यादा नासर सत्याराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोप मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता दो इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण ये मूवी ऑफिस एक फुला मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी राइट्स को गोल माइंड फिल्म ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मूवी आपको सिर्फ गोल्ड बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल माइंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल टेलीविजन प्रीमियर किया जाएगा वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखते चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुकी है आप चाहो चाहते इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को देख सकते हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय दुर्कंड की जो भी मूवीज आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्गकर्णा की मूवीज बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहते इस मूव को एक बार जरूर जाकर देखना और आप सभी के एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जरूर से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच

हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले विजय देवराकोंडा की माच ऑडिटेड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय देवराकोंडा की डहाट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज की वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इसी को आई सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी चुकी है और इसमेंट गोलर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करूं रोल तो पर हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर जदा नासर सत्याराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस एक फोप मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता दो इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक फुला मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स कोल्ड माइंड टेलीफिल्स ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट तो हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इसमें टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड मैंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल टेलीविशन प्रीपेय किया जाएगा वहाँ पर जाके आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके हैं आप चाहो चाहते इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इस मूवी को, को देख सकते हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय दुर्कंड की जो भी मूवीज़ आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय देवर्णा की मूवीज़ बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहते इस मूवी को एक बार जो जाकर देखना और आप सभी एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ से जाकर इस मूवी को एक बार वॉक हेलो वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले विजय दुर्गाकुंडा की माच ऑर्ट मूवी नोटा के बारे में तो अगर की फैन हो, खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज इस वीडियो को एक लाइक देखते रहना को कहा पर कैसे कहा पर देख पाओगे तो सब कुछ आज के आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें आनंद भास्कर ने पर टू आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है और इसमें को सिक्सटी एट परसेंट गोल्ड ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करूँ तो इसमें की लीड रोल पर हम विजय देवराकोंडा महरीन पीर जदा नासर सत्याराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोल मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता दू इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके ये मूवी बॉक्स ऑफिस एक फो मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से कम्प्लीट हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल्ड बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड बैंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल्ड प्रीमियर किया जाएगा वहां पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके हैं आप चाहो चाहते इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को देख सकते हो तो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इसमें को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय दुर्डकंडा की जो भी मूवीस आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय देवकंड की मूवीज बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो तो इस मूवी को एक बार जरूर जाकर देखना और आप सभी एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना और जरूर से जाकर इस मूवी को एक बार वाच कर लेना हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गाकुंडा की माँच ऑटेड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गाक् की डहाट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इसमें को आई एंड बार सिक्स आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी इस को ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करूं तो इसमें की लीड रोल पर हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर जदा नासर सत्याराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोला मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता दू इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलगू दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण मूवी पे एक फोलअ मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल्ड बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मूवी आपको सिर्फ गोल्ड बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड बैंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की प्रीमियर किया जाएगा वहां पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते होते तो मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके हैं आप चाहते इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को देख सकते कोई हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इसवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय दुर्डकंड की जो भी मूवीस आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्कंड की मूवी बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो तो इस मूवी को एक बार जुड़ जाकर देखना और आप सभी के एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना और जरूर से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच le हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गकुंडा की माच ऑडेड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गकुंडा की टहाट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलगू एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इस मूवी को आरोप सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी चुकी है झुकी और इसमेंट गोल्ड इजर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की की बात करूं। तो इसमें लीड रोल हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर ज्यादा नासर सत्याराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोला मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और एक बात बता इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण यह मूवी ऑफिस पे एक फुला मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी राइट्स को गोल ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल मैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल मैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल्ड टेलीविजन प्रीमेर किया जाएगा वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखते चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके आप चाहो तो चाहते इस को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को देख सकते कोई हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय दुर्कंड की जो भी मूवीज आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्गाकर्णा की मूवीज बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहते इस मूवी को एक बार जरूर जाकर देखना और आप सभी के एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जरूर से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच

हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले विजय देवराकोंडा की माच ऑडिटेड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय देवराकोंडा की डहाट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज कि इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज की वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इस मूवी को आई एम सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी चुकी है और इसमेंट गोल्ड इजर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करू तो इसमें की लीड रोल पर हमें विजय देवराकों महरीन पीर ज्यादा नासर सत्यराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस एक फोलप मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता दो इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फुला मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट तो हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल मैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल्ड बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस मूव को टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल माइंड के जो टी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल टेलीविशन प्रीमियर किया जाएगा वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके हैं आप चाहो चाहते इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इस मीवी को देख सकते हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय दुर्कंड की जो भी मूवीज़ आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्गकर्णा की मूवीज़ बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहते इस मूवी को एक बार जरूर जाकर देखना और आप सभी के एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच कर लेना हेलो वेलकम दोस्तों आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले विजय दुर्गाकुंड की माच ऑड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गकुंड की फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहा पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इसमें को सिक्स पर टू आउट ऑफ टेन की शानदार भी मिल चुकी है और इसमें एट परसेंट गोल लीजर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करूं तो इसमें की लीड रोल पर हमें विजय देवराकों महरीन पीरजादा नासिर सत्य जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक फोलप मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और एक बात बता दू इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक फूल मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी हिंदी डबिंग राइट्स को गोल ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग से हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड बैंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की प्रीमियर किया जाएगा वहाँ पर जाके आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके हैं आप चाहो तो इस मूवी को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इस मूवी को देख सकते को हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय दुर्कंडा की जो भी मूवी आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्डाकंडा की मूवी बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो तो इस मूवी को एक बार जरूर जाकर देखना और आप सभी एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ से जाकर इस मूवी को एक वॉच कर लेना की इस वीडियो में हम बात करने वाले विजय दुर्गाकुंडा की माच ऑड मूवी नोटा के बारे में तो अगर को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा को कहा पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज की वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें किया था आनंद भास्कर ने पर टू आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है और इसमें को सिक्सटी एट परसेंट गोल्ड ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करूँ तो इसमें की लीड रोल पर हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर जदा नासिर सत्य जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोला मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता दूँ इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोलअप मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट तो हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल बैंड्स को पता है क्यों नहीं रिलीज़ कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस मूवी को टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल बैंड्स के जो टी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल्ड टेलीविजन पीमर किया जाएगा वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउन डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके हैं आप चाहो चाहते इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को देख सकते कोई हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मुको को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि विजय देर्णा की जो भी मूवीस आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्कंड की मूवीज बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो तो इस मूवी को एक बार जरूर जाकर देखना और आप सभी एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोर से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच कर लेना हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गकुंडा की माँच ऑटेड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गाकुंड की डहाट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इसमें को आई एम डी बार आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी इसमें को ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करू तो इसमें की लीड रोल पर हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर जदा नासर सत्याराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस एक फोल मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और एक बात बता दू इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण मूवी ऑफिस एक फोल मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग से हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मूवी आपको सिर्फ गोल बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड बैंड के जो टीवी चैनल है वहां पर ही आपको इस मूवी की ऑल्ड प्रीमियर किया जाएगा वहां पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुकी है आप चाहो चाहते इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को देख सकते तो कोई हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इसमें अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगी क्योंकि विजय दुर्डकंडा की जो भी मूवी आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्कंड की मूवीज बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो तो इस मूवी को एक बार जरूर जाकर देखना और आप सभी के एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना और ज़रूर से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच

हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गकुंडा की माच ऑडिटेड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गकुंडा की टहाट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज की वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इस मूवी को आई एंड सिक्स पॉइंट आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इस को सिक्सेंट गोल्डर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की की बात करूं। तो इसमें लीड रोल हमें विजय देवराकों महरीन पीर ज्यादा नासर सत्याराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोला मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता दू इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगू दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण यह मूवी ऑफिस पे एक फुला मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स गोल माइंड फिल्म ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग से हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल्ड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मूवी आपको सिर्फ गोल्ड बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल माइंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की इसकी प्रीमियर किया जाएगा वहां पर जाके आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखते चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुकी है आप चाहो चाहते इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इस मी को देख सकते हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इसमी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय दुर्कंड की जो भी मूवीज आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्गाकंडा की मूवीज बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो इस मूवी को एक बार जोड़ जाकर देखना और आप सभी के एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच

हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले विजय देवराकोंडा की माच ऑडेड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय देवराकोंडा की डहाट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज की वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और मी को आई एम डी बार सिक्स आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी चुकी है इसमेंट गोल्ड इजर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करू तो इसमें की लीड रोल हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर जादा नासर सत्यराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस एक फोल मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता दो इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फुला मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट तो हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल मैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल मैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इसमें टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल माइंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल्ड टेलीविजन प्रीमेर किया जाएगा वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखते चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके है आप चाहते इस मूवी को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इस मूवी को देख सकते हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय दुर्कंड की जो भी मूवीज़ आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय देवकंडा की मूवी बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो तो इस मूवी को एक बार जरूर जाकर देखना और आप सभी के एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच कर लेना की इस वीडियो में हम बात करने वाले विजय दुर्गाकुंडा की माँच मूवी नोटा के बारे में तो अगर की फैन हो, खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज इस वीडियो को एक लाइक देखते रहना कैसे कहा पर देख पाओगे तो सब कुछ आज की आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने इसमें सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है और इसमें को सिक्सटी एट परसेंट गोल्ड ईजर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करूँ तो इसमें की लीड रोल पर हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर जदा नाशिर सत्य जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोलप मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता दूँ इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक फोलअप मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी राइट्स को गोल टेलीफिल्म ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल्ड बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड बैंड के जो टीवी चैनल है वहां पर ही आपको इस मूवी की ऑल ऑल्ड प्रीमियर किया जाएगा वहां पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुकी है आप चाहो तो इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को देख सकते कोई हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इसमें को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय दुर्कंडा की जो भी मूवी आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्कंड की मूवीज बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो तो इस मूवी को एक बार जरूर जाकर देखना और आप सभी एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जरूर से जाकर इस मूवी को

हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गाकुंडा की माँच ऑडटेड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गाक् की डहाट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इसमें आई एम डी पर सिक्स आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी इस को ने पसंद भी किया है और इसमें की की लीड रोल बात करूं तो इसमें की लीड रोल हमें विजय देवराकोंडा मेहरीन पीर जदा ना सत्याराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस एक फोल मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेडेडेडेडेड थे एक बात बता दू इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण मूवी पे एक फोल मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल्ड बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड बैंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल्ड प्रीमियर किया जाएगा वहां पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते होते मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके आप चाहो चाहते इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को देख सकते को हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इसमें अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगी क्योंकि विजय दुर्कंड की जो भी मूवीस आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्कंड की मूवीज बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहते इस मूवी को एक बार जोड़ जाकर देखना और आप सभी एक ही रिक्वेस्ट रहेगा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जुड़ से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच L'hanno. हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गकुंडा की माच ऑड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गकुंडा की टहाट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इसमें को आई एम डी बार आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी चुकी है को 68 गोल ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की की बात करूं। तो इसमें लीड रोल हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर जादा ना सत्यराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोला मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता दू इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगू दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण यह मूवी ऑफिस पे एक फुला मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को फिल्म ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल्स को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल्ड बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको के जो माइंडी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल्डि प्रीमियर किया जाएगा वहां पर जाके आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखते चाहते होते तो मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके आप चाहो तो को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें देख सकते कोई हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि विजय दुर्कंड की जो भी मूवीज आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्गाकंडा की मूवीज बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो इस मूव को एक बार जोड़ जाकर देखना और आप सभी के एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और ज़रूर से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच Salena. हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गकुंडा की माच ऑडेड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गकुंडा की टहाट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इस मूवी को आई एम डी बार आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी चुकी है इसमें पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की की बात करूं। तो इसमें लीड रोल हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर जादा ना सत्यराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोला मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता दू इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगू दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण यह मूवी ऑफिस पे एक फुला मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को फिल्म ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से हो लेकिन कुछ के इस को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल्स को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मूवी आपको सिर्फ गोल्ड बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड माइंडी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल्डि प्रीमियर किया जाएगा वहां पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखते चाहते होते तो मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके आप चाहो तो को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो, तो आप इस मूवी को देख सकते हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि विजय दुर्गाकंड की जो भी मूवीज आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्गाकंडा की मूवीज बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो इस मूव को एक बार जोड़ जाकर देखना और आप सभी के एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच and lena हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गाक् की माच ऑडिटेड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गाकुंडा की डहाट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज की वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इसमें को आई एंड बार सिक्स आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी चुकी है और इसमें को सिक्सटी एट परसेंट गोल्ड इजर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करूं तो इसमें की लीड रोल पर हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर जादा नासर सत्याराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोला मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता दो इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक फुला मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट तो हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल मैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल्ड बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल माइंड के जो टी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल्ड टेली प्रीमियर किया जाएगा वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुकी है आप चाहते इस मूवी को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को देख सकते कोई हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय देखा की जो भी मूवीज़ आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय देवर्णा की मूवी बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो तो इस मूवी को एक बार जरूर जाकर देखना और आप सभी के एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच Takk til हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गकुंडा की माँच ऑर्ट मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गाक् की डहाट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज की वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और को पर टू आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी चुकी है और इसमें को गोल्ड ने पसंद भी किया है और इसमें इसमें की की बात करूं। तो इस की लीड लीड रोल रोल बात तो हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीरजा नासर सत्याराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फॉलअप मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फूल मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंड टेलीफिल्स ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस मूवी को टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल्ड टेलीविजन पीमेर किया जाएगा वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके हैं आप चाहते इस मूवी को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को देख सकते हो तो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय देवकंडा की जो भी मूवीज़ आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय देवरांडा की मूवी बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो तो इस मूवी को एक बार जरूर जाकर देखना और आप सभी एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जरूर से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच de हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गाकुंडा की माँच ऑडिट मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गाकुंडा की डहाट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इसमें आई एम डी बार आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी इसमें को ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करू तो इसमें की लीड रोल हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर जदा ना जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस एक फोलप मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेडेडेडेडेड थे एक बात बता दू इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण मूवी ऑफिस एक फोल मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स गोल माइंड फिल्म ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मूवी आपको सिर्फ गोल्ड बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड बैंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल इसवी प्रीमियर किया जाएगा वहां पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते होते मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके हैं आप चाहते है इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को देख सकते हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इसमें अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगी क्योंकि विजय दुर्कंड की जो भी मूवीस आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्कंड की मूवीज बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहते इस मूवी को एक बार जरूर जाकर देखना और आप सभी के एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जरूर से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच Lleno. हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गाकुंड की माँच ऑडटेड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गाकुंडा की टहाट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इसमें को आई एंड बार सिक्स आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को ने पसंद भी किया है और इसमें की की लीड रोल बात करूं तो इसमें की लीड रोल हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर जादा ना सत्यारा जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोला मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता दू इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगू दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण यह मूवी ऑफिस पे एक फुला मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को फिल्म ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग से हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल्स को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मूवी आपको सिर्फ गोल्ड बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इसमें टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड माइंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल्ड प्रीमियर किया जाएगा वहां पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखते चाहते होते मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके हैं आप चाहते है। इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को, इस को देख सकते हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि विजय दुर्कंड की जो भी मूवीज आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्गाकर्णा की मूवी बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहते इस मूव को एक बार जोड़ जाकर देखना और आप सभी के एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ू से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच Grazie हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गकुंडा की माच ऑर्टेड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गाकुंडा की टाहट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इसमें को आई एम सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी चुकी है और इसमें को सिक्सटी एट परसेंट गोल्ड इजर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करूं तो इसमें की लीड रोल पर हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीरजादा नासिर सत्या जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोला मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता दो इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक फुला मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट तो हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल्ड बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस मूवी को टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड माइंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल्ड टेलीविजन प्रीमियर किया जाएगा वहाँ पर जाके आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखते चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुकी है आप चाहते इसमी को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को देख सकते कोई हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगी क्योंकि विजय दुर्कंड की जो भी मूवीज आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय देवकंडा की मूवीज बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो तो इस मूवी को एक बार जो जाकर देखना और आप सभी के एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच कर लेना दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले विजय दुर्गाकुंडा की माँटेड मूवी नोटा के बारे में तो अगर की फैन हो, खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की को एक लाइक करके इन तक देखते रहना को कहा पर कैसे कहा पर देख पाओगे तो सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने पर टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है और इसमें को सिक्सटी एट परसेंट गोल्डर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करूं तो इसमें की लीड रोल पर हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर जदा नाशिर सत्य जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक फोलप मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और एक बात बता दूँ इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके मूवी बॉक्स ऑफिस एक फोल मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग से हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल्ड बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड बैंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल्ड प्रीमियर किया जाएगा वहां पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके हैं आप चाहो तो इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को देख सकते हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय दुर्कंडा की जो भी मूवीस आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्डकंडा की मूवीज बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो तो इस मूवी को एक बार जरूर जाकर देखना और आप सभी एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ूर से जाकर इस मूवी को एक वॉच कर लेना हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गाकुंडा की माँच ऑर्टेड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गाकुंडा की डहाट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इसमें आई एम डी बार सिक्स आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी चुकी को सिक्सटी एट परसेंट गोल्डर ने पसंद भी किया है और इसमें इसमें की की बात करूं। तो इस की लीड लीड रोल रोल बात तो विजय देवराकोंडा महरीन पीर जदा नासर सत्यर जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस एक फॉलअप मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेडेडेडेडेड थे एक बात बता दू इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण मूवी बॉक्स ऑफिस एक फोल मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी राइट्स को गोल ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल्ड बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड बैंड के जो टीवी चैनल है वहां पर ही आपको इस मूवी की ऑल्ड प्रीमियर किया जाएगा वहां पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके हैं आप चाहते इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को देख सकते कोई हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इसवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय दुर्कंडा की जो भी मूवीस आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्कंड की मूवीस बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहते इस मूव को एक बार जरूर जाकर देखना और आप सभी एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और ज़रूर से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच

रेटिंग भी मिल चुकी है और इसमें को सिक्सटी एट परसेंट गोल्ड इजर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करूँ तो इसमें की लीड रोल पर हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर जदा नासर सत्यारज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोला मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता दूँ इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोल मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल माइंड टेलीफिल्म ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट तो हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल्ड बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मूवी आपको सिर्फ गोल्ड बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस मू टीवी पर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी सिर्फ आपको गोल्ड बैंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल्ड टेलीविशन प्रीमर किया जाएगा वहां पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके है आप चाहो चाहते इसमें डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इस मूवी को देख सकते हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि विजय दुर्कंड की जो भी मूवीज आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्डकंडा की मूवी बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो तो इस मूवी को एक बार जुड़ जाकर देखना और आप सभी एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना और जुड़ से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच कर लेना हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गाकुंडा की माँच ऑडिटेड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गाकुंडा की टहाट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इसमें को आई एंड सिक्स पॉइंट आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इस को ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करू तो इसमें की लीड रोल पर हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर जादा नासर सत्यारा जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोला मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता दू इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण मूवी ऑफिस एक फोलअ मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को फिल्म ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल्ड बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मूवी आपको सिर्फ गोल्ड बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इसमें टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड माइंड के जो टीवी चैनल है वहां पर ही आपको इस मूवी की ऑल्ड टेविशन प्रीमे किया जाएगा वहां पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देख चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके हैं आप चाहते है इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को देख सकते हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि विजय दुर्कंड की जो भी मूवीज आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्गकंडा की मूवी बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो इस मूव को एक बार जोड़ जाकर देखना और आप सभी के एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ू से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच Salena. हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गकुंडा की माच ऑड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गकुंड की टहाट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इसमें आई एंड पर सिक्स आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी चुकी है और इसमें सिक्सटी एट परसेंट गोल्ड इजर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करूं तो इसमें की लीड रोल पर हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीरजादा नासिर सत्या जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोला मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता दू इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण यह मूवी ऑफिस एक फुला मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स गोल्ड माइंड फिल्म ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल माइंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल्ड टेलीविशन प्रीमे किया जाएगा वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखते चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुकी है आप चाहो चाहते इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को देख सकते कोई हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय दुर्कंड की जो भी मूवीज आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय देवर्णा की मूवीज बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो तो इस मूवी को एक बार जो जाकर देखना और आप सभी एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच कर लेना दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले विजय दुर्गाकुंड की नोटा के बारे में तो अगर की फैन हो, खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना को कहा पर कैसे कहा पर देख पाओगे तो सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने इसमेंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है और इसमें को सिक्सटी एट परसेंट गोल्ड इजर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करूं तो इसमें की लीड रोल हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर जदा नासिर सत्य जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक फोप मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता दू इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके मूवी एक फोल मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी था लेकिन कुछ कारणों के चलते कुछ कारणों के इस को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल को पता है नहीं रिलीज कर रहा। लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मूवी आपको सिर्फ गोल्ड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड बैंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी प्रीमियर किया जाएगा वहां पर जाकर आप मूवी को देख सकते हो इसके अलावा को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके हैं आप चाहो तो इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को देख सकते हो तो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय दुर्कंडा की जो भी मूवी आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्डाकंडा की मूवीज़ बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो तो इस मूवी को एक बार ज़रूर जाकर देखना और आप सभी एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ से जाकर इस मूवी को एक वॉच कर लेना हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गाकुंडा की माँच ऑडिटेड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गाक् की डट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इसमें आई एमवार सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी चुकी है और पसंद भी किया है और इसमें इसमें की की बात करूं। तो इस की लीड लीड रोल रोल बात तो हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर जदा नासर सत्यराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फॉलअप मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और एक बात बता दू इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण मूवी ऑफिस वर्कशॉप एक फोल मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड बैंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल्ड प्रीमियर किया जाएगा वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते होते मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके हैं आप तो इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को देख सकते हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इसमें को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय दुर्वकंडा की जो भी मूवी आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्कंडा की मूवीज बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहते इस मूव को एक बार जरूर जाकर देखना और आप सभी एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच

रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सिक्सटी एट परसेंट गोल्ड इजर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करू तो इसमें की लीड रोल पर हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर ज्यादा नासिर सत्या जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोलप मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और एक बात बता दो इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोलअप मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट तो हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल मैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल मैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस मूव को टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल माइंड के जो टी वी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल्ड टेलीविजन प्रीमे किया जाएगा वहाँ पर जाके आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुकी है आप चाहो तो इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को देख सकते हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय दुर्गाकर्णा की जो भी मूवीज आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूं मुझे विजय दुर्गा की मूवी बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहते इस मूवी को एक बार जो जाकर देखना और आप सभी के एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ू से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच कर लेना हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गकुंडा की माच ऑडिटेड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गाकुंडा की डहाट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलगू एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इसमें को आई एम डॉ सिक्स आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी चुकी है और इसमें सिक्सटी एट परसेंट गोल्ड इजर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करूं तो इसमें की लीड रोल पर हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर जादा नासिर सत्या जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोला मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता दू इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण यह मूवी वर्कशॉप पर मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी राइट्स को गोल माइंड फिल्म ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल्ड बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल माइंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल टेलीविजन प्रीमियर किया जाएगा वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुकी है आप चाहो चाहते इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को देख सकते को हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय दुर्कंड की जो भी मूवीज आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्कंड की मूवीज बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहते इस मूव को एक बार जरूर जाकर देखना और आप सभी के एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच कर लेना हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले विजय दुर्गाकुंड की मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय की फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहा पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इसमें को पर टू आउट ऑफ टेन की शानदार भी मिल चुकी है और इसमें एट परसेंट गोल लीजर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करूं तो इसमें की लीड रोल पर हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर जदा नासर सत्य जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक फोप मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेडेडेडेडेड थे एक बात बता दू इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके ये मूवी बॉक्स ऑफिस एक फूल मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को फिल्म ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग से हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड बैंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी ऑल टेलीविजन प्रीमियर किया जाएगा वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके हैं आप चाहो तो इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इस मूवी को देख सकते हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय दुर्वकंडा की जो भी मूवी आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्डकंडा की मूवी बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो तो इस मूवी को एक बार ज़रूर जाकर देखना और आप सभी एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ से जाकर इस मूवी को एक वॉच कर लेना हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले विजय देवराकोंडा की माच ऑर्टेड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय देवराकोंडा की डहाट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज की वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इस मूवी को आई एम सिक्स आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी इस को सिक्सटी एट परसेंट गोल इजर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की की बात करूं। तो इसमें लीड रोल हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर जादा नासर सत्याराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोलअप मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगू दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण यह मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक फुला मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स गोल माइंड फिल्म ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड बैंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल टेलीविजन किया जाएगा वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखते चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके आप चाहते इस मूव को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इस मूवी को देख सकते हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय दुर्कंडा की जो भी मूवीज़ आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्कंडा की मूवी बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो तो इस मूवी को एक बार जरूर जाकर देखना और आप सभी एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच

हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गाकुंडा की माँच ऑडिटेड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गाक् की डट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इसमें को सिक्स पर टू आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी चुकी है इस गोल इसमें पसंद भी किया है और इसमें इसमें की की बात करूं। तो इस की लीड लीड रोल रोल बात तो हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर जदा नासर सत्यर जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फॉलअप मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और एक बात बता दू इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण मूवी बॉक्स ऑफिस वर्कशॉप एक फोल मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड बैंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल्ड प्रीमियर किया जाएगा वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते होते। हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके हैं आप चाहो तो इस मूवी को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को देख सकते हो तो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय दुर्कंडा की जो भी मूवी आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्डकंडा की मूवीज बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहते इस मूव को एक बार जरूर जाकर देखना और आप सभी एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और ज़रूर से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच

रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सिक्सटी एट परसेंट गोल्ड इजर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करू तो इसमें की लीड रोल पर हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर ज्यादा नासर सत्याराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोलप मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और एक बात बता दू इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोलअप मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट तो हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल मैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल्ड मैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस मूवी को टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड माइंड के जो टी वी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल्ड प्रीमियर किया जाएगा वहाँ पर जाके आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुकी है आप चाहो चाहते इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें देख सकते हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय दुर्कंड की जो भी मूवीज आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूं मुझे विजय दुर्गा की मूवीज बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहते इस मूवी को एक बार जुड़ जाकर देखना और आप सभी के एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच कर लेना हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गाक् की माच ऑडिटेड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गाकुंडा की डहाट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज की वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलुगू एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इस मूवी को आई एम सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी मिली चुकी है और इसमें सिक्सटी एट परसेंट गोल्ड इजर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करूं तो इसमें की लीड रोल पर हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर जादा नासिर सत्य जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोला मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता दू इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण यह मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक फुला मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी राइट्स को गोल ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल माइंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल टेलीविजन प्रीमियर किया जाएगा वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखते चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुकी है आप चाहते इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को देख सकते कोई हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय दुर्कंड की जो भी मूवीज आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्गाकर्णा की मूवीज बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहते इस मूवी को एक बार जरूर जाकर देखना और आप सभी के एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जरूर से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच

रेटिंग भी मिल चुकी है और इसमें एट परसेंट गोल लीजर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करूं तो इसमें की लीड रोल पर हमें विजय देवराकों महरीन पीरजादा नासिर सत्य जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक फोलप मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और एक बात बता दूँ इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक फूल मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी हिंदी डबिंग राइट्स को गोल ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड बैंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल प्रीमियर किया जाएगा वहाँ पर जाके आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके हैं आप चाहो तो इस मूवी को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इस मूवी को देख सकते को हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय दुर्कंडा की जो भी मूवी आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्डाकंडा की मूवी बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो तो इस मूवी को एक बार जरूर जाकर देखना और आप सभी एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ से जाकर इस मूवी को एक एक बार वॉच कर लेना हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गाकुंडा की माँच ऑडिटेड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गाक् की डट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इसमें आई एमवार सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी चुकी है और पसंद भी किया है और इसमें इसमें की की बात करूं। तो इस की लीड लीड रोल रोल बात तो हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीरजा नासर सत्यराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और पे एक फॉलअप मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और एक बात बता दू इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण मूवी ऑफिस एक फुला मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल माइंड टेलीफिल्स ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मूवी आपको सिर्फ गोल बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड बैंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल्ड प्रीमियर किया जाएगा वहां पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके हैं आप चाहो तो इस मूवी को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इस मूवी को, को देख सकते हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय दुर्कंडा की जो भी मूवीज़ आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्कंडा की मूवी बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो तो इस मूवी को एक बार जरूर जाकर देखना और आप सभी एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जरूर से जाकर इस मूवी को एक बार वॉक

हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गकुंडा की माँच ऑटेड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गाक् की डहाट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इसमें को आई एम डी बार आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी इसमें को 68 गोल ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करू तो इसमें की लीड रोल हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर जदा नासर सत्याराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस एक फोला मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और एक बात बता दू इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण मूवी ऑफिस एक फोल मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मूवी आपको सिर्फ गोल बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड बैंड के जो टीवी चैनल है वहां पर ही आपको इस मूवी की ऑल्ड प्रीमियर किया जाएगा वहां पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते होते तो मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके आप चाहो चाहते इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को देख सकते तो कोई हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इसमें अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय दुर्डकंडा की जो भी मूवी आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्कंड की मूवीज बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो तो इस मूवी को एक बार जरूर जाकर देखना और आप सभी के एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना और ज़रूर से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच

हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गकुंडा की माच ऑडिटेड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गकुंडा की डहाट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज की वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इस मूवी को आई एंड बार सिक्स आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है को सिक्स परसेंट गोल्ड इजर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की की बात करूं। तो इसमें लीड रोल हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीट ज्यादा नासर सत्याराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोला मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता दू इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण यह मूवी ऑफिस पे एक फुला मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी राइट्स को फिल्म ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग से हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल्ड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मूवी आपको सिर्फ गोल्ड बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल माइंड के वहाँ पर ही आपको इस मूवी की इसकी प्रीमियर किया जाएगा वहाँ पर जाके आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखते चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके आप चाहो चाहते इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इस मी को देख सकते हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इसमी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय दुर्कंड की जो भी मूवीज आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्गाकर्णा की मूवीज बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो इस मूवी को एक बार जोड़ जाकर देखना और आप सभी के एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच

भी मिल चुकी है और इसमें को सिक्सटी एट परसेंट गोल्ड इजर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करूँ तो इसमें की लीड रोल पर हमें विजय देवराकों महरीन पीरजादा नासिर सत्याराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोलप मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और एक बात बता दूँ इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण मूवी पे एक फो मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी राइट्स को टेलीफिल्म्स ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते कुछ मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल्ड को पता है नहीं कर रहा। लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये आपको सिर्फ गोल्ड बैंड के चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड माइंड के वहाँ पर ही आपको इसकी टेलीवि प्रीमियर किया जाएगा वहां पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते होते मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके हैं आप चाहो तो इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इस मीवी को देख सकते हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय दुर्गाकंडा की जो भी मूवीज़ आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्गा की मूवीज बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो तो इस मूवी को एक बार जरूर जाकर देखना और आप सभी के एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ू से जाकर इस मूवी को एक वॉच कर लेना हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले विजय देवराकोंडा की माच ऑर्टेड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय देवराकोंडा की टाहट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज के वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज की वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलगु एक्शन ड्रामा और पोलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इस मूवी को आई एम सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी को सिक्सटी एट परसेंट गोल्ड इजर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करू तो इसमें की लीड रोल हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर जादा नासर सत्यराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोल मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता दो इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फुला मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट तो हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल मैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल मैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल माइंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल टेलीविशन प्रीमियर किया जाएगा वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके हैं आप चाहो तो इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो, तो आप इस मीवी को देख सकते हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगी क्योंकि विजय दुर्कंड की जो भी मूवीज़ आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्गाकर्णा की मूवीज बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहते इस मूवी को एक बार जरूर जाकर देखना और आप सभी के एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ू से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच

हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गाकुंडा की माँच ऑडिटेड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गाक् की डट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इसमें को सिक्स पर टू आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी चुकी है और सिक्सटीट परसेंट गोलर ने पसंद भी किया है और इसमें इसमें की 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 लीड लीड रोल रोल बात तो हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीरजा नासर सत्यराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फॉलअप मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और एक बात बता इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण मूवी वर्कस ऑफिस पर एक फूल मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल माइंड टेलीफिल्म ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड बैंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल टेलीविशन प्रीमे किया जाएगा वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके हैं आप चाहो तो इस मूवी को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इस मूवी को देख सकते हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय दुर्कंडा की जो भी मूवीज़ आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्कंडा की मूवी बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो तो इस मूवी को एक बार जो जाकर देखना और आप सभी एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच

रेटिंग भी मिल चुकी है और इसमें को सिक्सटी एट परसेंट गोल्ड इजर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करूँ तो इसमें की लीड रोल पर हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर ज्यादा नासर सत्याराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोला मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और एक बात बता दो इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोल मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल माइंड टेलीफिल्स ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट तो हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल्ड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको सिर्फ गोल्ड मैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस मूव टीवी पर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी सिर्फ आपको गोल्ड माइंड के जो टीवी चैनल है वहां पर ही आपको इस मूवी की ऑल्ड टेलीविजन प्रीमियर किया जाएगा वहां पर जाके आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुकी है आप चाहो चाहते इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें देख सकते हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इसवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगी क्योंकि विजय दुर्कंड की जो भी मूवीज आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूं मुझे विजय दुर्कंडा की मूवी बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहते इस मूवी को एक बार जरूर जाकर देखना और आप सभी के एक ही रिक्वेस्ट आया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच कर लेना हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गाकुंड की माच ऑडेड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गकुंडा की टहाट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इस मूवी को आई एमवार सिक्स पॉइंट आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी इस को 68 गोल ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की की बात करूं। तो इसमें लीड रोल हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर जादा ना सत्यराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोला मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और एक बात बता दू इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण यह मूवी ऑफिस पे एक फुला मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को फिल्म ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग से हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल्ड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मूवी आपको सिर्फ गोल्ड बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इसमें कोई टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल्डि प्रीमियर किया जाएगा वहां पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखते चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके आप चाहो तो को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें देख सकते कोई हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय दुर्गाकंड की जो भी मूवीज आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्गाकंडा की मूवीज बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो तो इस एक बार जोड़ जाकर देखना और आप सभी के एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच

भी मिल चुकी है और इसमें को सिक्सटी एट परसेंट गोल लीजर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करूँ तो इसमें की लीड रोल पर हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीरजादा नासिर सत्य जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोलअप मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और एक बात बता दो इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक फो मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी हिंदी डबिंग राइट्स को गोल ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की पूरी तरह से कंप्लीट हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड बैंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मुख्य ऑल टेलीविशन प्रीमियर किया जाएगा वहाँ पर जाके आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुकी है आप चाहो तो इस मूवी को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इस मूवी को देख सकते हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय देवकंडा की जो भी मूवीज़ आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय देव की मूवी बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो तो इस मूवी को एक बार जरूर जाकर देखना और आप सभी के एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ू से जाकर इस मूवी को एक वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गकुंडा की माँच ऑर्ट मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गाक् की डहाट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज की आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इसमें सिक्स पर टू आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी चुकी है और इसमें गोल्डर ने पसंद भी किया है विजय तो देवराकोंडा महरीन पीरजा नासर सत्याराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फॉलअप मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फूल मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल माइंड टेलीफिल्स ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस मूवी को टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल्ड टेलीविशन फीमेर किया जाएगा वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके हैं आप चाहो तो इस मूवी को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो, तो आप इस मूवी को देख सकते हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय दुर्कंडा की जो भी मूवीज़ आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय देवकंडा की मूवी बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो तो इस मूवी को एक बार जरूर जाकर देखना और आप सभी एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ से जाकर इस मूवी को एक बार बार कर लेना हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गाकुंडा की माँच मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय की टाहट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहा पर कैसे कहा पर देख पाओगे तो सब कुछ आज की आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इसमें को आई सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है और इसमें गोल्ड इजर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करूं तो इसमें की लीड रोल हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर जदादा नाशिर सत्य जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोलप मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता दूँ इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक फोलअ मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग से हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल्ड बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड बैंड के जो टीवी चैनल है वहां पर ही आपको इस मूवी की ऑल ऑल्ड प्रीमियर किया जाएगा वहां पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुकी है आप चाहो तो इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को देख सकते तो कोई हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इसमें को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय दुर्कंडा की जो भी मूवी आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्डकंड की मूवीज बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो तो इस मूवी को एक बार ज़रूर जाकर देखना और आप सभी एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जरूर से जाकर इस मूवी को

शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है और इसमें को सिक्सटी एट परसेंट गोल्ड इजर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करूँ तो इसमें की लीड रोल पर हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीरजादा नासिर सत्या जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फुला मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और एक बात बता दूँ इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोलअप मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल माइंड टेलीफिल्स ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट तो हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल बैंड्स को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल्ड बैंड्स के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस मूवी को टी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड माइंड के जो टी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल्ड टेलीस प्रीम किया जाएगा वहाँ पर जाके आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउन डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके है आप चाहो तो इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को देख सकते को हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इसमें को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय दुर्गाकंडा की जो भी मूवी आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्कंड की मूवीस बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहते इस मूवी को एक बार बार जाकर देखना और आप सभी के एक ही रिक्वेस्ट आया कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और ज़रूर से जाकर इस को एक बार वॉच कर लेना हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गा की माँच ऑडटेड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गाकुंडा की टहाट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इसमें को आई एम डी बार आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को 68 गोल ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करूं रोल तो पर हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर जादा ना सत्यारा जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोला मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता दू इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगू दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण यह मूवी ऑफिस पे एक फुला मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी राइट्स को गोल ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग से हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल्स को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मूवी आपको सिर्फ गोल्ड बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इसमें टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड माइंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल्ड टेलीविजन प्रीमे किया जाएगा वहां पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखते चाहते ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुकी है आप चाहो तो को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को, इस को देख सकते हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि विजय दुर्कंड की जो भी मूवीज आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्गाकंडा की मूवी बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहते इस मूव को एक बार जोड़ जाकर देखना और आप सभी के एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच

भी मिल चुकी है और इसमें सिक्सटी एट परसेंट गोल लीजर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करूँ तो इसमें की लीड रोल पर हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीरजादा नासिर सत्याराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोलअप मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और एक बात बता दो इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक फो मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इसमें टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड बैंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की मुझे प्रीमियर किया जाएगा वहां पर जाके आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुकी है आप चाहो तो इस मूवी को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को देख सकते हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय देवकंडा की जो भी मूवीज़ आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय देवरांडा की मूवीज बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो तो इस मूवी को एक बार जोर जाकर देखना और आप सभी के एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ू से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गाकुंडा की माँच ऑडिड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गाक् की डहाट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज की वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इस मूवी को आई सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी चुकी है और इसमें को गोल्ड ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की की बात करूं। तो इसमें लीड रोल हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीरजा नासर सत्याराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोलप मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता दो इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण ये मूवी बॉक्स ऑफिस वर्कशॉपिस एक फूल मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंड टेलीफिल्स ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट तो हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस मूवी को टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड बैंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल टेलीविशन प्रीमे किया जाएगा वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुकी है आप चाहो चाहते इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इस मूवी को देख सकते हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय दुर्कंडा की जो भी मूवीस आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्डकंडा की मूवीज बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो तो इस मूवी को एक बार जरूर जाकर देखना और आप सभी एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जरूर से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच हेलो वेलकम दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले विजय दुर्गाकुंडा की माँच मूवी नोटा के बारे में तो अगर को एक लाइक रहना आपको बताएंगे कहा पर, पर देख पाओगे तो सब कुछ आज की वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा और पोलिटिकल मूवी थी इसमें किया था आनंद भास्कर ने इसमें सिक्स पर टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है और इसमें को सिक्सटी एट परसेंट गोल्ड इजर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करूँ तो इसमें की लीड रोल पर हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर जदा नासर सत्याराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोला मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता दूँ इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोल मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी हिंदी डबिंग राइट्स को गोल माइंड टेलीफिल्म ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट तो हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल्ड बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मूवी आपको सिर्फ गोल्ड बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस मूवी को टीवी पर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी सिर्फ आपको गोल्ड बैंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल्ड टेलीविशन प्रीमर किया जाएगा वहां पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके है आप चाहो चाहते इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को देख सकते तो कोई हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इसवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि विजय दुर्कंड की जो भी मूवीज आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्गाकंडा की मूवी बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो तो इस मूवी को एक बार जरूर जाकर देखना और आप सभी एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना और जुड़ से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच कर लेना हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गाकुंडा की माँच ऑडिटेड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गकुंडा की डहाट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इसमें आई एंड बार सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की की बात करूं। तो इसमें लीड रोल पर हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर जादा नासर सत्यारा जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोला मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता दू इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण मूवी ऑफिस पे एक फोलअ मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को फिल्म ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से कम्प्लीट हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गड बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मूवी आपको सिर्फ गोल्ड बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इसमें टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड माइंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल्ड टेविशन प्रीमे किया जाएगा वहां पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देख चाहते होते मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके हैं आप चाहते है। इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को, इस को देख सकते हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि विजय दुर्कंड की जो भी मूवीज आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्गाकंडा की मूवी बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो इस मूव को एक बार जोड़ जाकर देखना और आप सभी के एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ू से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच

भी मिल चुकी है और इसमें को सिक्सटी एट परसेंट गोल्डर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करूँ तो इसमें की लीड रोल पर हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीरजादा नासिर सत्याराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोलअप मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता दो इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक फोल मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड बैंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मुख्य ऑल टेलीविजन प्रीमियर किया जाएगा वहां पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड बगैर करके देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके हैं आप चाहते इस मूवी को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इस मूवी को देख सकते हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विजय दुर्कंडा की जो भी मूवीस आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय दुर्कंड की मूवी बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहते इस मूवी को एक बार जरूर जाकर देखना और आप सभी एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोर से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच कर लेना हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गाकुंडा की माच ऑड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गाकुंडा की डहाट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज की वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलगु एक्शन ड्रामा और पोलिटिकल मूवी थी इसमें डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इस मूवी को आई एंड सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी को सिक्सटी एट परसेंट गोल्डर ने पसंद भी किया है और इसमें की लीड रोल की बात करूं रोल तो पर हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीरजा नासर सत्याराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फोलअप मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और एक बात बता इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण यह मूवी ऑफिस पे एक फुला मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग से हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इसमें टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल्ड माइंड के जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मुख्य ऑल्ड टेलीविशन प्रीमियर किया जाएगा वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखते चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुकी है आप चाहो चाहते इसमी को डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को देख सकते कोई हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इस मूवी को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगी क्योंकि विजय दुर्कंड की जो भी मूवीज आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय देवर्णा की मूवीज बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो तो इस मूवी को एक बार जो जाकर देखना और आप सभी के एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को एक लाइक कर देना और जोड़ से जाकर इस मूवी को एक बार वॉच Tal vez. हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय दुर्गाकुंड की माच ऑडिटेड मूवी नोटा के बारे में तो अगर आप विजय दुर्गकुंडा की डहाट फैन हो खास करके उनके मूवी नोटा को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताएंगे नोटा मूवी को कहाँ पर कैसे कहाँ पर देख पाओगे तो सब कुछ आज की वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहना नोटा साल दो में रिलीज हुई तेलगु एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया था आनंद भास्कर ने और इसमें एम पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की शानदार रेटिंग भी चुकी है और इसमें गोलर ने पसंद भी किया है और इसमें इसमें की की बात करूं। तो इस की लीड लीड रोल रोल बात तो हमें विजय देवराकोंडा महरीन पीर नासर सत्याराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे नोटा मूवी की बजट थी पच्चीस करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पच्चीस करोड़ की कलेक्शन की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस एक फॉलअप मूवी साबित हुई थी फिर भी इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और एक बात बता दो इस मूवी के तो ये मूवी जो बनाया गया था तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री की एक्टर्स को मिलाकर बनाया गया था लेकिन मूवी उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिसके कारण ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक फुला मूवी साबित हुई थी नोटा मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल माइंड टेलीफिल्स ने खरीदा था लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी की डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है वो तो गोल बैंड को पता है क्यों नहीं रिलीज कर रहा है लेकिन इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ गोल बैंड के यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर इस मूवी को टीवी पर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपको गोल जो टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको इस मूवी की ऑल टेलीविजन प्रीमियर किया जाएगा वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो इसके अलावा अगर आप इस मूवी को डाउनलोड वगैरह करके देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुकी है आप चाहते इसमें डाउनलोड करके भी देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर अभी आपको नहीं मिल सकता शायद अभी यूट्यूब पर नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली चाहो तो आप इसमें को देख सकते तो कोई हो कोई चैनल अगर अपलोड किया होगा तो आप इसमें को अनऑफिशियली देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगी क्योंकि विजय देवकंड की जो भी मूवीज़ आती है मैं खास उन सभी मूवी को देखता हूँ मुझे विजय देवकंड की मूवीज बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहो चाहते इसमें को एक बार जरूर जाकर